और दिल्ली के तीमारपुर विधानसभा के अंतर्गत गांव वजीराबाद में सरकारी जमीनों पर काफी तेजी से अवैध कब्जा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने भी इन सरकारी जमीनों को खाली करवाने और यहां स्कूल बनवाने को लेकर सरकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना महामारी की वजह से इन जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने की कोशिशों पर विराम लग गया है और लॉकडाउन का फायदा उठाकर कुछ लोग इन जमीनों पर अवैध कब्जा कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही अब कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ है, तो वैसे ही तीमारपुर विधानसभा से आप विधायक दिलीप पांडे ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और MCD सिविल लाइन को इन जमीनों को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। आई है तब से उनकी नज़र में है और उनके कंट्रोल में पूरी चीज़ें हैं और हम यही चाह रहे हैं कि सरकार की जो कब से ये 300 बीघा की एक लैंड है, ये जो यहाँ पे रिहाइश है वजीराबाद और संगम विहार का जो एरिया पूरा पड़ता है और जमुना किनारे के जो भी रिहाइश के एरिया है वहाँ पे बेसिक सुख सुविधा प्रोवाइड की जाए। राजधानी दिल्ली के तीमारपुर विधानसभा में वजीराबाद गांव में आए दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इसी अतिक्रमण को रोकने के लिए आज SDM सिविल लाइन द्वारा यहाँ पे जो रामघाट की जो ज़मीन है, यहाँ पे जो अतिक्रमण बढ़ रहा है, उस पर दौरा कराया गया। और हालांकि यहाँ पे एक जो लोगों की डिमांड है वो स्कूल को लेके है और सरकारी अस्पताल को लेके है। यहाँ पे सरकारी ज़मीन तो है लेकिन उस पर स्कूल और सरकारी अस्पताल जो है अभी तक तैयार नहीं हुए। हालांकि यहाँ के जो विधायक थे पहले पंकज पुष्कर जी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि यहाँ पे जल्द से जल्द स्कूल और यहाँ पे जो हॉस्पिटल हो बनाया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। लेकिन अब इस जो यहाँ के प्रेजेंटली विधायक है दिलीप पांडे जी, उनका कहना यह है कि यहाँ पे जल्द से जल्द स्कूल और यहाँ पे सरकारी अस्पताल तैयार किया जाएगा। इसी को लेकर आज SDM सिविल लाइन द्वारा यहाँ पे दौरा किया गया, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये दौरा पहले की तरह ही रहेगा या इस पर वाकई में कोई कार्रवाई होगी। सूरज जायसवाल, जनतंत्र TV, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।